जब आपने गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज देखी होगी तब आपने उसके सीजन 1 में नोटिस किया होगा कि थियोन ग्रेजॉय विंटरफेल में क्यों रहता है, जबकि वह न तो कोई स्टार्क है और न ही वह जॉन स्नो की तरह बास्टर्ड है। तो सवाल आता है, वह वहाँ पर आखिर क्यों रहता है? बुक्स में इसका जवाब है। हमें सीजन 1 की टाइमलाइन से लगभग 10 साल पहले मिलता है, जब थियोन ग्रेजॉय के पिता बलून ग्रेजॉय ने रॉबर्ट बराथियन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था और अपने आप को स्वतंत्र किंग घोषित कर दिया और रॉबर्ट को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। इस पर किंग रॉबर्ट उसका विद्रोह कुचलने के लिए किंग्स लैंडिंग से सेना लेकर वहां गया। उस समय रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वह भी रॉबर्ट के साथ अपनी सेना लेकर चल दिया। उन दोनों की जॉइंट सेना ने बलून ग्रेजॉय को हरा दिया और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब इस पर रॉबर्ट ने सजा के रूप में उससे कुछ किले हड़प लिया लिए और नेड स्टार्क ने उसके बेटे थियोन ग्रेजॉय को एक वार्डन के रूप में ले लिया। उस समय वार्डन का मतलब होता था कि एक तरह से गिरवी रखना, मतलब अब बलून ग्रेजॉय विद्रोह नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसे रॉबर्ट बराथियन से थियोन को मारने की धमकी मिल जाती और इस तरह से रॉबर्ट बराथियन के खिलाफ उसका विद्रोह नहीं खड़ा हो सकता था।